हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर की। इसमें आप देख रहे हैं कि आज इसने अपने ट्रेडिंग सेशन में लगभग 13% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है, अर्थात क्यूवन रिजल्ट से पहले। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका क्यूवन रिजल्ट कल आने वाला है, यानी 8 अगस्त को इसका क्यूवन रिजल्ट आने वाला है। तो इससे पहले आप इसमें देख रहे हैं गजब का धमाका हुआ है आज, और लगभग इसमें एक दिन में 13% का रिटर्न निकाल के इसने दे दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें कल क्यूवन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है क्या, या फिर कुछ और इसमें ऑपरेटर गेम चल रहा है। ये तो कल ही अब मालूम चलेगा, और जब कल इसका क्यूवन रिजल्ट आएगा तो हम इसे संबंधित जो वीडियो होगा जरूर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्या कुछ चीजें हुई हैं, और उसके भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में आज हम के देखेंगे कि कुछ अपडेट्स आया है क्या, ताकि इसका जो लगभग 13% का तेजी है इसके पीछे क्या रीजन है, और साथ ही साथ इसके हम टारगेट और रेसिस्टेंट को भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसने कौन सा टारगेट और रेसिस्टेंट को तोड़ा है, और तोड़ा है तो ये आगे कहां तक जाएगा, और साथ ही साथ उस कल रिजल्ट आएगा इसके टारगेट और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो शुरू करते हैं। और इसका आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं कि एक दिन में इसने लगभग 13% का रिटर्न निकाल कर दिया है आज। और अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो चूंकि आज सोमवार था तो इसके पहले 2 दिन बंद रहा था। उससे पहले ट्रेडिंग सेशन के जो 5 दिन बीते हैं उसमें आप देख रहे हैं आज का लेके लगभग 15% का रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डर को। 1 महीने में इसने लगभग 24% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। 6 महीने में इसने लगभग 8% का रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डर को। एयरटेल लीड की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 5.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 3.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये चूंकि एक बहुत पुरानी कंपनी दिखाई दे रही है, और इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो वो हुई थी लगभग एमांक 2005 में। उसके बाद से ये कभी अप कभी डाउन करते हुए आप यहाँ पर देखें लगभग 70% का अपने निगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को ये दे चुकी है। तो इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने के बाद एक ही चीज़ इसमें समझ में आती है कि आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें वो थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट करके आप आगे बढ़ें, जितनी आपकी वहन क्षमता है, जितना आप सह सकते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका जिम्मेदारी आप स्वयं लें। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और ये सिर्फ आपको एजुकेशन देता है, और ये बताने की कोशिश करता है कि ये इसमें जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। कोई भी निवेश लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें, ताकि आपका निवेश भी सुरक्षित रहे और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इसके देख लेते हैं आज के कुछ डिलीवरी पैटर्न के साथ साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या कुछ हुआ है, और क्या कुछ इसके संबंध में कुछ अनाउंसमेंट आए हुए हैं क्या। उन सबको देखने के बाद हम फिर देखेंगे कि इसमें क्या रेसिस्टेंट और सपोर्ट के साथ साथ इसका टारगेट क्या बन रहा है। तो दोस्तों, आ गए हम बीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 12% 11.5% की तेजी दिखाई दे रही है, और ये लगभग 2.59 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, यानी 7 अगस्त को देखें, ये जो डेटा अपडेट हुआ है 4:18 के आसपास अपडेट हुआ है, वहाँ पर देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 64,06,000 के आसपास टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 26,38,943 जो शेयर हैं वो उठा लिए गए हैं किसके रूप में, डिलीवरी के रूप में, अर्थात लगभग 41% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात ये मान के चलिए कि ठीक ही ठाक इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, और इसका जो ट्रेडिंग जो हुआ है लगभग 64 लाख शेयर के आसपास इसमें ट्रेडिंग हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज जो पुराना अपडेट आया था वो 1 तारीख को आया था, उससे पहले 17 जुलाई को आया था, यानी आज कोई अभी फिलहाल जब तक ये वीडियो बना रहे तब तक कोई अपडेट नहीं आया है। हाँ, इसमें एक चीज़ जो जरूर देखने वाला होगा कि इसमें जो तेजी आई है, ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ बल्क डील हुआ है। इसका जब भी हम कल इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसमें बल्क डील हुआ था कि नहीं हुआ था, और इससे संबंधित अपडेट भी हम आपको देंगे। तो अब चलिए हम थोड़ा इसके सपोर्ट टारगेट और रेसिस्टेंट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट साथ ही साथ टारगेट के ऊपर। इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने 2.43 रुपये का जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट था उसको तोड़ दिया है। साथ ही साथ 2.49 रुपये 2.55 रुपये को भी इसने जो रेसिस्टेंट बनाए हुए थे उसको भी तोड़ दिया है। बीएससी में आपने आपको दिखाया था, हालांकि आपका जो चार्ट हमने दिखाया था उसमें तो ये लगभग अच्छा खासे तेजी के साथ लगभग 2.85 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये बीएससी के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी जो बीएससी में जो अब टारगेट रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है वो 2.64 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर कल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है तो ये मान के चलिए कि ये रेसिस्टेंट तोड़ेगा 2.64 रुपये का, और अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए 3 रुपये के पार जा सकता है, और अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। इसके अलावा अगर कल रिजल्ट मान लीजिए अगर खराब आता है तो वहाँ पे देख रहे हैं जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 2.27 रुपये का, सबसे बड़ा इसका सपोर्ट बन रहा है। तो ये जब भी इसका रिजल्ट आएगा खराब तो ये मान के चलिए कि 2.27 रुपये का सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये मान के सबसे जो लोएस्ट सपोर्ट लेगा वो 2 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेगा। इन दिनों के बीच में अगर ट्रेड करता है तो ये मान के चलिए कि ये सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, कंसोलिडेट करेगा। लेकिन जैसे ही ये 2.06 रुपये का ये अगर सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ये संभावना रहेगी कि इसमें ठीक ठाक गिरावट
आ सकती है और अपने शेयर होल्डर को ये अच्छा खासा नुकसान दे सकता है। अब हम अगर इसके टारगेट की बात करें अगस्त माह के, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने जो सबसे बड़ा टारगेट था वो था 2.38 रुपये का, इसने इसको अगस्त में ही अचीव कर लिया, अभी आपने आज देखा। इसके साथ साथ जो थर्ड टारगेट वो 2.49 रुपये का था, उसको भी इसने अचीव कर लिया है। इसके अलावा जो और जो बड़ा टारगेट था वो था 2.68 रुपये का, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है और ये लगभग ये अचीव करने के ही फिलहाल कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने NSE पे इसको अचीव लगभग कर लिया है, लेकिन BSE पे अभी भी 2.59 रुपये के आसपास, अर्थात इसको अचीव अगर कर लेगा तो इसका मान के चलिए कि इसमें अगला जो टारगेट निकल के आएगा वो भी 3 रुपये के आसपास ही जो सबसे बड़ा टारगेट निकल के आने वाला है। तो दोस्तों ये रहा FCS से संबंधित आज के कुछ अपडेट्स, और कल चूंकि इसका Q1 रिजल्ट आने वाला है तो दोस्तों हम कल Q1 रिजल्ट के बारे में भी इसके बारे अच्छा खासा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ उसमें भी हम देखेंगे कि इसका टारगेट सपोर्ट और उसके बारे में क्या क्या उसमें कुछ संभावनाएं बन रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बस इसमें एक ही चीज़ है, जो भी निवेश अगर आप नया लेना चाह रहे हैं तो कल का रिजल्ट का इंतजार करिए, और अगर कल का रिजल्ट अच्छा आता है तो आप इसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आप इसके फंडामेंटल और जो इसके मैनेजमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, इसका बिजनेस मॉडल जो भी चीज़ें होती हैं उसको डिटेल से पढ़ें, और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से भी संपर्क लेने के बाद ही कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।